ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज TV। स्वागत है आपका A1 न्यूज TV में और मैं हूं आपके साथ मेघा। ये दुनिया कई तरह की रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है। हम जिधर भी नजर उठाकर देखेंगे वहां पर हमें कुछ ना कुछ रहस्यमयी, मन को आश्चर्यचकित करने वाली कोई भी चीज मिल ही जाएगी। हाल ही में कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने आधा कुत्ता और आधा बाघ जैसा कोई रहस्यमय जीव देखा है। जी हाँ, दुनिया भर में जीव जंतुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो लगभग विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यानी उस प्रजाति का इक्का दुक्का ही कोई जीव बचा होगा। ऐसी ही एक प्रजाति है तस्मानिया टाइगर की। आपको बता दें, इस खास प्रजाति का जानवर आधा कुत्ता और आधा बाघ की तरह नजर आता है। लेकिन इस प्रजाति को लुप्त हुए करीब 85 साल हो चुके हैं। यानी कि इस तरह के जीव आज से 85 साल पहले तो देखे जा सकते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे जीवों को देखना रहस्यमय बात है। यहाँ पर दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में लोगों ने ऐसे जीव को देखने का दावा किया है और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। अमूमन ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में इस खास प्रजाति के जानवर को खूब देखा जाता था, लेकिन ये बात है 85 साल पहले। लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या कम होती चली गई। ऐसे में साल 1936 में इस प्रजाति के जानवर को विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के थाइलासीन अवेयरनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट नील वॉट्स ने खुलासा किया है कि उन्होंने तस्मानियन टाइगर के एक परिवार को जंगल में देखा है। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली बात है, उनके पास सबूत के तौर पर कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। उनका कहना है कि उनके पास 4 ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें तस्मानियन टाइगर का पूरा परिवार दिख रहा है, साथ ही में कुछ बच्चे भी हैं। इस दावे के बाद से वन्य जीव प्रेमियों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि कुछ दिन बाद ही नील वॉट्स की तस्वीरें गलत साबित हुई और उन्हें कहा गया कि आपसे पहचानने में कुछ गलती हुई है। आपको बता दें, मनोवैज्ञानिक इस तरह की झूठी बातों को प्रचार करने का एक तरीका मानते हैं। नील वॉट्स के दावे को विशेषज्ञ सच नहीं मान रहे। उनके मुताबिक तस्मानियन टाइगर की मौजूदा तस्वीरें मॉर्फ्ड हैं, यानी कि उनके साथ छेड़छाड़ करी गई है। ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। अगर कोई जीव कई दशक पहले ही खत्म हो चुका है तो फिर से उसे देखना बिल्कुल संभव ही नहीं है। तस्मानियन टाइगर की तस्वीरें और वीडियो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इनकी तस्वीरें लोगों की मेमोरी में भी हैं, लेकिन इसे वापस फिर से देखने की खबर झूठी ही साबित हो रही है। माना जाता है कि तस्मानियन टाइगर की प्रजाति धरती पर करीब 20 लाख साल पहले आई थी, लेकिन इस प्रजाति का आखिरी जिंदा जीव साल 1930 में तस्मानिया में देखा गया था। उसके बाद से ये जीव फिर कभी नहीं देखा गया। अगर नील वॉट्स की बात पे गौर किया जाए और उनकी बात को सही माना जाए तो तस्मानियन टाइगर अभी भी मौजूद हैं। वहीं साइंटिस्ट का ये तर्क है कि तस्मानियन टाइगर की प्रजाति कई साल पहले ही खत्म हो गई है। नील एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। अब सच कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो आम जनता की क्यूरियोसिटी, उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है। दोस्तों, अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज TV।